जय हिंद। एक महिला जज की लाश उनके घर में कथित तौर पर पंखे से लटकती हुई मिलती है। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। अब जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां पर एक एक चीज का सूक्ष्म तरीके से मुआयना किया जाता है, यानी माइक्रो लेवल पर हर चीज को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अब जज की मौत हुई थी तो इसलिए जिले के कई आला अधिकारी, खास तौर पर एसएसपी साहब, घटना स्थल पर मौजूद थे। एक एक चीज को चेक किया जा रहा था और पास में ही खड़े थे महिला जज के पति। एसएसपी साहब महिला जज के पति को ढांढस बधाते हुए कुछ बातें कहते हैं और कुछ सवाल उनसे करते हैं। इस बीच पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो सच निकल कर सामने आता है उसे सुनकर देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस के बारे में जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के कानपुर, जहां पर इस महिला जज की पोस्टिंग है। दरअसल बैकग्राउंड से अगर इस मामले को समझें तो होता यह है कि प्रतिभा गौतम और मनु अभिषेक नाम के एक लड़का लड़की होते हैं और काफी समय से वो एक दूसरे को जानते हैं। जब वो दोनों लॉ कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से जान पहचान होती है और ये जान पहचान प्यार में तब्दील हो जाती है। अब इस बीच जो प्रतिभा थी उसका पीसीएस जुडिशियल का एग्जाम क्लियर हो जाता है, यानी कि वो मजिस्ट्रेट बन जाती है। अब जुडिशरी में सिलेक्शन होने के बाद दोनों के बीच में एक बार फिर से शादी की बात होती है और दोनों ही शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। मनु अभिषेक शादी तो करना चाहता था, पर कुछ हद तक जो प्रतिभा का परिवार था वो इस रिश्ते में ज्यादा खुश नहीं था। बहरहाल होता यह है कि दोनों जब लड़का लड़की राजी होते हैं तो परिवार भी मना नहीं कर पाता और फाइनली जनवरी के महीने में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर सबसे बड़ी एक ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ी एक अड़चन ये थी कि पति पत्नी एक साथ नहीं रह पा रहे थे। अब जो जज साहिबा थी उनकी पोस्टिंग हो जाती है कानपुर में और जो पति थे मनु अभिषेक वो दिल्ली में वकील के तौर पर प्रैक्टिस किया करते थे। अक्सर वो वीकेंड पर अपने घर कानपुर में अपनी पत्नी के पास आ जाया करते थे और जब पत्नी को फुर्सत मिलती थी तो वो फ्री होकर कानपुर से दिल्ली पहुंच जाया करती थी। अब होता यह है कि सितंबर के महीने में मनु अभिषेक अपनी पत्नी को, यानी जज साहिबा को, कहता है कि तुम दिल्ली आओ, दिल्ली में घूमते हैं, कुछ टाइम बातें करेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। अब इस दौरान जो जज साहिबा है वो किसी तरह से टाइम मैनेज करती हैं और फाइनली वो कानपुर से ट्रेन में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। जब ट्रेन दिल्ली पहुंचती है तो मनु अभिषेक जज साहिबा को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और फिर उन्हें गाड़ी में लेकर घर की ओर चलने लगा। अब इस दौरान कथित तौर पर रिपोर्ट इन फैक्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है और बातचीत यहां तक बढ़ जाती है कि जो प्रतिभा है वो अब दिल्ली में नहीं रहना चाहती और फिर वापसी की टिकट करवाकर जल्दी से कानपुर रवाना हो जाती है। अब इस घटना को तो एक छोटी आए दिन की घटना माना जा सकता है क्योंकि पति पत्नी के बीच में ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बहरहाल फिर आता है 9 अक्टूबर 2016 का दिन, संडे का दिन, जो कि रविवार का दिन होता है और रविवार के दिन छुट्टी होने के कारण पति मनु अभिषेक दिल्ली से खास तौर पर अपनी पत्नी से मिलने के लिए कानपुर पहुंच रहे थे। मनु अभिषेक का यह दावा है कि जब वो सर्किट हाउस स्थित अपनी पत्नी के आवास पर पहुंचे तो उन्होंने पहले बेल बजाई, उसके बाद दरवाजा भी खटखटाया, पर कई बार दरवाजा खटखटाने और बेल बजाने के बावजूद कोई भी दरवाजे पर नहीं आया, बल्कि उन्हें ऐसा लगा कि घर में कोई मौजूद ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू किया और फोर्सिबली दरवाजे को खोला गया। मनु अभिषेक का यह दावा है कि जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जो तस्वीर उनके सामने उन्हें देखने के लिए मिली उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सामने पंखे से लटका हुआ उनकी पत्नी यानी जज साहिबा प्रतिभा गौतम का शव था। अब यह तस्वीर देखते ही मनु अभिषेक हैरान परेशान हो जाता है और वो फौरन थाने के लिए निकल पड़ता है। कानपुर कैंट के थाने में पहुंचकर वो पुलिस को जानकारी देता है कि मेरे घर में मेरी पत्नी की
लाश मिली है और वो जज के तौर पर काम करती हैं। अब जैसे ही थाने में ये खबर मिलती है उसके बाद पुलिस अलर्ट पर आ जाती है, सीनियर अधिकारियों को संपर्क किया जाता है और घटना स्थल पर खुद SSP पहुंच जाते हैं। अब जब SSP साहब घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो वो एक एक चीज का बड़े सूक्ष्म तरीके से मुआयना करते हैं। अब इस दौरान वो जो जज साहिबा के पति होते हैं उनसे कुछ बातें करने लगते हैं, उन्हें ढांढस बंधाने लगते हैं। अब इस बीच 3-4 सवाल ऐसे थे जो वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और साथ में SSP भी जानना चाहते थे। सबसे पहला सवाल ये था कि अगर जज साहिबा की बॉडी पंखे से लटकी हुई थी तो उसे नीचे उतारने से पहले कोई फोटो क्यों नहीं खींची गई। दूसरा सवाल यह था कि अगर जज साहब की बॉडी पंखे से नीचे उतारनी ही थी तो उससे पहले पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। और तीसरा सवाल यह था कि अगर जज साहब ने खुद कोई ऐसा कदम उठाया है कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला लिया तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और इस कारण के बारे में पति और परिवार को बेहतर ही पता होगा। पर जैसे जैसे जज साहब के पति से सवाल SSP और पुलिस करती गई तो पुलिस को कुछ ना कुछ शक होना शुरू हो गया, क्योंकि जो जज साहब के पति हैं वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे। और पुलिस का एक तरीका खास तौर पर होता है कि पहले सवाल किया, फिर काउंटर क्वेश्चन किया और उसके बाद उसके ऊपर भी एक काउंटर क्वेश्चन किया। अब जब ये सवाल पर सवाल होते गए तो जो जवाब थे वो मैच नहीं हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने अपने दफ्तर में बैठकर एक एक चीज का एनालिसिस किया और सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। इसके बाद जो जज साहिबा के पति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि जज साहब के पति को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने अपनी जो भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में थी उसे कबूल किया, और साथ में पुलिस ने जो महिला जज हैं उनके व्हाट्सएप के रिकॉर्ड निकाले, कॉल डिटेल्स निकाले, और इसके साथ ही जो उनके पति हैं उनके भी व्हाट्सएप के रिकॉर्ड निकाले, और जब उन्हें चेक किया गया तो एक नया सच निकलकर सामने आया। पुलिस ने यह दावा किया कि दरअसल जो महिला जज थी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और इसी को लेकर पति पत्नी के बीच में काफी समय से विवाद चल रहा था। जो जज साहब के पति हैं वो ये कथित तौर पर चाहते थे कि महिला जज अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा दे, यानी कि इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा दे, जबकि महिला जज इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद पुलिस की थ्योरी कहती है कि 9 अक्टूबर के दिन महिला जज के पति सीधा कानपुर में उनके घर पर पहुंचे और बिना किसी को बताए हुए वो सीधा घर में एंटर होते हैं। दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन, कहा सुनी, बहसबाजी होती है और इसके बाद ये बहसबाजी हाथापाई में तब्दील हो जाती है। पुलिस का यह दावा था कि जब दोनों के बीच में हाथापाई या कहा सुनी की नौबत बनी तो जज साहब के पति ने कथित तौर पर उनकी कलाई पर कट लगाकर उनकी जान लेने की कोशिश की। उनकी हाथों में और शरीर पर कई जगह कट लगाए गए ताकि नसों से खून बह जाए और खून की कमी के चलते जज साहब की मौत हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कथित तौर पर जज साहब के पति ने उनकी गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद जब जज साहब के पति कथित तौर पर डर गए तो उन्होंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि जैसे जज साहब ने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, और पुलिस थाने में जाकर इस पूरी स्टोरी को ऐसे ही बयान किया। अब पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक शराब की बोतल पड़ी हुई है। अब पुलिस ये भी जानना चाहती थी कि कमरे में आखिर शराब की बोतल क्यों पड़ी हुई है, क्या कमरे में कोई और शख्स आया था या फिर जज साहब के पति ये शराब पी रहे थे। अब इन सवालों का जवाब तो नहीं मिला, पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इस मामले में IPC की धारा 302 और 304 के तहत मामला रजिस्टर कर लिया, और जज साहब को पुलिस ने अदालत में पेश करके और फाइनली उन्हें जेल भेज दिया गया। अगर IPC की धारा 302 की बात की जाए तो इसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा होती है और साथ में जुर्माना होता है। वहीं IPC की धारा 304 वो सीधे तौर पर बनाई गई है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति के द्वारा कोई हत्या हो जाती है और वो अनइंटेंशनल हत्या होती है तो उसमें 10 साल तक की सजा या फिर उम्र कैद और साथ में जुर्माना होता है। बहरहाल ये मामला अदालत में चला गया और इस पूरे मामले में माननीय अदालत का जो फैसला है उसे ही अंतिम तथ्य माना जाएगा।
पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाएं, पहली चीज तो ये है कि जब भी शादी करें तो अपने पार्टनर को देखकर समझकर ही उससे शादी के बंधन में बंधें, ताकि इस तरह की कन्फ्रंटेशन कभी भी जीवन में ना हो। क्योंकि अगर एक व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार हमेशा पूरी जिंदगी भुगतता रहता है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में धैर्य का, पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। मान लेते हैं कि इस मामले में महिला जज का प्रेग्नेंट होना एक बड़ा मुद्दा था, तो क्या इसको आपस में बैठकर सुलझाया नहीं जा सकता था? क्या इस मामले में धैर्य से काम नहीं लिया जा सकता था? पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पर फिर भी एक बार हम इस बात को रिपीट करते हैं कि माननीय अदालत का जो फैसला होगा वही अंतिम तथ्य होगा। जय हिंद।